गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं डिस्कस करूंगा एचआर सुलेखा के रिगार्डिंग। जो लीव के बारे में बताएंगे एचआर सुलेखा में, जो कि एचआर से आप लीव कैसे लेंगे। वैसे बहुत मेंबर तो जान भी रहे हैं कि एचआर सुलेखा से अभी ले भी रहे हैं लीव, और लीव भी टूर भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन तो फिर भी मैं ब्रीफ करना चाहूँगा आज। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? गूगल में जाएंगे। गूगल में hr.sulekha.in पे जाएंगे और इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन में यहाँ पे आप एम्प्लॉय कोड डालेंगे जो कि एनक्रिप्टेड रहेगा। और मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव है, इसकी वजह से मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ। सबसे पहले आप हम लोग क्या करें, अप्लाई लीव में जाना था। अप्लाई यहाँ से यहाँ पे लीव में जाना, लीव टाइप में तो एनुअल लीव में क्लिक करना है। फिर जिस तारीख को लेना है, जिस तारीख से जिस तारीख तक, जैसे कि आज आज लेना है तो आज का डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, और यहाँ से और 2 दिन का रहना चाहिए 18 तक, यहाँ तो 18 तक है, ठीक है। उसके बाद रीजन में डालना है प्रॉपर वे। अगर मेडिकल वगैरह रीजन डालिएगा तो उसका प्रिस्क्रिप्शन राइट जो है वो वाला अटैच करना पड़ेगा यहाँ पर। उससे बेहतर है कि आप पर्सनल लीव यहाँ पे लीजिए, पर्सनल वर्क है पर्सनल लीजिए। यहाँ पे पर्सनल लीव का अप्लाई करेंगे। और रिकमेंडेड तो यहाँ ऑटोमेटिक आएगा, और सीसी में जो है आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, आपका आएगा और रिपोर्टिंग पर्सन का आएगा। उसके अलावा आप एडमिन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप ऐड हो सकते हैं। उसके बाद सीधा क्या करना है आपको, अप्लाई करना देना, सीधा आपका अप्लाई करना है। इसकी वजह से सीधा आपका ही अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपका मेल में चला जाएगा। यहाँ पे जिसको जिसको सीसी में रखेगा रूम जो है ही, और जो सीसी में जिसको जिसको रखेगा वहाँ डायरेक्ट उन लोगों का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसमें मेल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका लीव एप्लीकेशन। और उसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। ये सब है क्या चीज यहाँ पे, ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, इस पे एक एक करके क्लियर करते हैं। जैसे ये ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड 18 हुआ है पिछले ईयर का। इसमें अगर 20 भी रहता या 30 भी रहता तो फिर भी कैरी फॉरवर्ड आपका 18 होता। ये कब कैलकुलेट होता है, ये जनवरी को होता है, जनवरी टू दिसंबर इसमें रहता है। इसमें फाइनेंशियल ईयर कोई काम नहीं करता है, इसको फाइनेंशियल ईयर से कोई लेना देना नहीं। ये ईयर मेरा कैरी फॉरवर्ड 18 हुआ है, और मैं और ये क्या है एकर्ड, इसमें है कि टोटल आपने अर्न किया है, ठीक है। जैसे कि जनवरी टू मेरा यहाँ से देखा जाए तो अभी सप्तम महीना चल रहा है, तो हर मंथ आपका कितना होता है, हर मंथ 3 लीव गेन करते हैं। उसके हिसाब से देख लेते हैं। मेरा ये पूरा ये सातवां महीना पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके वजह से मैं छठा महीना तक कर लेता हूँ। 6 या 18 हो गया,
और प्लस इस महीने का क्या है, 10 दिन में एक लीव गेन करते हैं, हर 10 डेज में एक लीव गेन करते हैं, तो मेरा 10 डेज के अलावा हो गया है, 17 तारीख का है 10 प्लस इधर, जैसे कि दूसरे 11 तारीख जैसे होगा तो आपका दूसरा लीव इनकर मतलब दो लीव हो जाएगा, तो वही देखा जाए 10 दिन प्लस से 7 दिन का उधर 2 लीव हो गया, गेन हो गया इक्वल टू 20 लीव हो गया। उसके बाद क्या है टोटल लीव एज ऑन ए डेट, ये कैसे कैलकुलेट होता है, एट ओपनिंग बैलेंस प्लस अकर्ड मतलब जो गेन की है लीव इक्वल टू 38। और यहाँ पे जो है इस ईयर में मैंने लीव अवेल्ड जो है कितना लीव मैंने अप्लाई किया, कितना मैं ले चुका हूँ, यही कैलकुलेट करता है मेरा टोटल इस महीने इस ईयर में, ये जनवरी टू ईयर जनवरी से लेकर के जुलाई तक है, जुलाई तक मैंने 7 लीव ले लिया हूँ, यही कैलकुलेट यहाँ पे दिख रहा है ये। और ये भला क्या मेरे ख्याल से मैं क्लियर नहीं हूँ इसमें, लेकिन मुझे लेकिन यही लगता है कि मैं और थोड़ा बार बार खोल करके देखा नहीं हो, इस बार इस पे ध्यान दूंगा ताकि मैं बता पाऊंगा कि एचआर एवल्ड मीन से क्या कि इस महीने में आपने कितने लीव गेन किए हैं, मुझे यही 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 लग रहा है मुझे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 38 माइनस 7 कर लीजिए, ये टोटल मैंने 7 क्या हुआ माइनस 7 इक्वल टू 31। और ये वाला लास्ट जो है ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो है तीन पेंडिंग है, ये अप्रूव नहीं हुआ, अगर अप्रूव हो जाता यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है थैंक यू फ्रेंड। और दूसरे दिन डिस्कस करेंगे इस पे, आज लीप पे थोड़ा सा बताया हूँ, ज़्यादा कुछ तो था ही नहीं और सभी कोई जान भी रहे हैं इसको, और कोई कोई थोड़ा प्रॉब्लम किसी किसी को हो रही है तो उनके लिए है, और दूसरे दिन टूर अप्लाई के लिए मैं मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे क्या, सब तो ऑलरेडी जान ही रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड।